अब मैं आपको बताऊंगा कि माउंट आबू में कहाँ पे रुके। मैं माउंट आबू करीबन करीबन 50 से 60 बार आया जा चुका हूँ। यहाँ पे रहने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप चाहे तो एक अच्छी सी होटल में भी रह सकते हो और यहाँ पे अच्छी सी धर्मशालाओं की भी सुविधा है। अगर आप होटल में रहना चाहते हो तो मैं आपको ये अच्छी तरह रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी वो वेबसाइट से आप ऑनलाइन बुकिंग करके ही यहाँ पे आए। यहाँ पे बारगेनिंग बहुत होता है और कभी कभी इतना आइडिया नहीं आता है कि कितना बारगेन करें। आपको 10,000 की रूम 5 या 4,000 में भी मिल सकती है। इसके लिए मैं आपको ऑनलाइन बुकिंग कराने के आने से अच्छा है कि आपकी सेफ्टी भी रहेगी और आपको अच्छा सा रेट भी मिलेगा। अगर आपको लोअर क्लास में चीप और अच्छी और सस्ती जगह चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी धर्मशालाएँ हैं कि जो आपको 300, 400, 500 रुपये में अच्छी सी रूम मिल जाएगी। उस धर्मशालाओं में आपको श्रेष्ठ श्री रघुनाथ दास परिहार धर्मशाला है, जैन समाज की दिगंबर जैन धर्मशाला है, यहाँ पे श्री महावीर जैन धर्मशाला है और यहाँ रघुनाथ टेम्पल में भी रहने की अच्छी सुविधा है। रुकने के लिए एक दूसरा ऑप्शन ये भी है, अगर आप आबू रोड रुके तो आपको ये होटल का किराया एकदम 25% में मिल जाएगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि सुबह सुबह आराम से आप माउंट आबू चले जाए, पूरे दिन घूमिए और रात को आप आबू रोड में रुक जाएगा तो आपको अच्छी सी सस्ती होटल में बहुत ही अच्छे दामों में मिल जाएगी।